तो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया था क्वेश्चन नंबर 2.5, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2.5 रह गया था इंटेक्स क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI इफ द डेंसिटी ऑफ 20% एक्वस KI इज 1.202 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है एक्वस KI का, उस सॉल्यूशन की हमको डेंसिटी दी हुई है, ठीक है, और मास परसेंट दिया हुआ है। हमसे बोला मोलैरिटी फाइंड करो, मोलैरिटी फाइंड करो, चलो करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 2.5, तो यहाँ मैं लिखता हूँ गिवन क्या क्या है मेरे को। गिवन है मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो कि दे रखी है 1.202 ग्राम पर मोल, ठीक है, डेंसिटी गिवन दे रखी है। उसके अलावा हमें सॉल्यूशन का मास परसेंट दिया हुआ है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ये दिया हुआ है 20% बाय मास, 20% बाय मास सॉल्यूशन है हमारे पास एक्वस KI का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं पहले लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने मान लिया कि सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास परसेंट दिया है यानी कि जो सॉल्यूट है उसमें जो कि KI है पोटेशियम आयोडाइड, तो वो हो जाएगा 20%, देयरफॉर मास ऑफ KI हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन 20% बाय मास है, यानी कि सॉल्यूशन का जो भी मास होगा उस मास का 20% मास जो है वो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट है KI, तो सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम मान लिया, तो सॉल्यूट हो जाएगा उसका 20%, यानी कि 20 ग्राम सॉल्यूट हो गया। अच्छा, यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O एक्वस सॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है, तो 80 ग्राम वाटर है, 20 ग्राम क्या है KI पोटेशियम आयोडाइड। अब हमको निकालना है मोलैरिटी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, तो पहले काम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI, पहले KI के मोल्स निकालते हैं, तो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो KI का मास है 20 ग्राम, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, तो KI का मोलर मास हो जाएगा पोटेशियम का होता है 40 ग्राम प्लस आयोडीन का होता है 126 ग्राम, तो ये हो जाएगा 166 ग्राम, तो इसको डिवाइड कर दो 166 ग्राम से, इसका आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 0.12 मोल्स। तो मोल्स आ गए हैं KI के, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो H2O का मास है 80 ग्राम, H2O का मोलर मास होता है 18 ग्राम, ये सबको याद होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, 16 + 2 = 18, तो ये आएगा ऑलमोस्ट आपके पास 4.44 ग्राम, सॉरी ग्राम है, नंबर ऑफ मोल है 4.44 ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गए, ठीक है। तो दोनों के मोल्स निकाल लिए, चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको ए मोलैरिटी फाइंड करनी है, उसके बाद मोलैरिटी फाइंड करनी है, और सी में मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो आप मोलैरिटी फाइंड करते हैं पहले, स्मॉल एम, तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी केजी में, किसमें किलोग्राम में रखा जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है हमारा KI, KI के हैं 0.12 मोल्स, 0.12 मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का मास हमने लिया है हो जाएगा 80 ग्राम, ठीक है 80 ग्राम है, तो इसको चेंज कर लेंगे हम केजी में, तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 100 ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 12/8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12/8, इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मोल पर केजी, ये आ गया इसका आंसर, तो इसकी हमने मोलैरिटी तो निकाल ली, अब निकालते हैं इसकी मोलैरिटी, तो ए पार्ट तो हो गया यहाँ पे, ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट कर लेते हैं बराबर। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब सॉल्यूट के मोल्स तो हैं 0.12 मोल्स, वॉल्यूम नहीं है हमारे पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है, लेकिन डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है हमको दिख नहीं रहा स्क्रीन में, कर देते हैं, ठीक है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी दी है 1.202 ग्राम पर ml, मास हमने सॉल्यूशन का माना हुआ है 100 ग्राम, नीचे आएगा वॉल्यूम किस में आएगा ml में आ जाएगा, यहाँ ml में, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ये इधर ये इधर, तो 100 ग्राम डिवाइड बाय 1.202 ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम आएगा ml में, कितना आ जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 1.202, तो इसका आंसर आएगा ऑलमोस्ट 83.19 ml। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम, हम निकाल लेते हैं हम अपनी मोलैरिटी, यहाँ देखो मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है 0.12 मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम आया था 83.19 वो कि ml में आया था लेकिन लीटर में रखना होता है, तो हो जाएगा 83.19 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे एक बार 1000 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 83.19, तो इसका आंसर आता है ऑलमोस्ट 1.44 मोल्स पर लीटर, 1.44 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया इसका क्या, मोलैरिटी भी फाइंड कर ली। अब इसका सी पार्ट जो है वो है मोल फ्रैक्शन निकालना है, ये मैं आपको देता हूँ करने के लिए, मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल लेना। चलो तो अगर KI का मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, KI का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा नंबर मोल्स ऑफ KI, KI के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो KI के मोल्स हैं यहाँ पे 0.12 मोल्स डिवाइड बाय इसके 0.12 प्लस वाटर के मोल्स कितने थे 4.44, इसको भाई आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 केमिस्ट्री का, उसके हमने इंडेक्स क्वेश्चन 2.1 से लेकर 2.5 तक सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा कंसंट्रेशन टर्म के ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन हेनरीज लॉ के ऊपर, और उसके बाद हम करेंगे अपना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपना रॉड्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो